हेलो दोस्तों, मैं मिलन, आपका स्वागत एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऑनलाइन फ्री स्टडी में। आज हम कराने वाले हैं, मैं इससे पहले पाइप और टंकी करा रहा था दोस्तों, और इससे पहले हम करा रहे थे टाइम एंड वर्क। तो मैंने आज दोनों का टेस्ट रखा है दोस्तों, इसमें मिक्स सवाल होने वाले हैं, इसमें टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी के सवाल लेने वाला हूँ मैं। तो दोस्तों टेस्ट है आज, तो इम्पोर्टेंट वीडियो, तो इसको आप देखना अच्छे से। और जो लोग नए हैं कृपया हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो मैंने सवाल लिखा है, एक सवाल है दोस्तों, ए एक काम को 12 दिन और बी 16 दिन में करता। दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था सवाल में, ए और बी समय दिया हो तो बस समय का एलसीएम ले लीजिए, तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, टोटल काम, टोटल क्षमता। ठीक है, देखते हैं 12 दिन में ए और 16 दिन में बी, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे दोस्तों, 48 आने वाला है। दोस्तों आप सीख ही गए होंगे एलसीएम कैसे लेते हैं, मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ। तो 48 एलसीएम है, 16 से काटोगे, 16 दुनी 32, 16 थी 48 और 12 से 4 भाग। ये कैसे आया दोस्तों, आप सोच रहे होगे 4 12 का 48 में भाग दोगे 4, यानी ये स्पीड है दोस्तों, ए 4 की स्पीड से काम करेगा तो 12 दिन में काम को समाप्त कर देगा, ये टोटल काम हो गया दोस्तों। और बी 3 की स्पीड से काम करेगा दोस्तों और 16 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम क्या है सवाल में। कर सकता है ए बी ने एक साथ काम करना आरंभ किया, ठीक है, दोनों ने मिलकर यानी 7 की स्पीड से काम किया होगा दोस्तों। देखते हैं आगे, शुरू किया एक कार्य समाप्ति के 2 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, तो दोनों ने मिलकर कार्य कितने समय में समाप्त किया। तो दोस्तों हमें सिर्फ ये देखना है किसने काम छोड़ा है और कितने दिन पहले छोड़ा था। ठीक है दोस्तों, बस छोड़ा किसने देख लीजिए, एक कार्य समाप्ति के, कार्य समाप्ति एक की स्पीड है दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों, एक चीज याद रखो, एक की स्पीड 4 है जो कि हमने अभी निकाली, और 2 दिन पहले। तो दोस्तों इसने 2 दिन में कितना काम छोड़ा होगा दोस्तों, बस एक दिन में 4 तो 2 दिन में 8, ये 8 काम छोड़कर चला गया। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, टोटल काम 48 था, 8 इसमें ऐड कर देना है, आपका हो जाएगा 56। और दोनों कितने, बस 4 और 3 7 भाग दीजिए, 7 और 8 56 दे। दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होने के कारण हम लोग क्या थोड़ा घबरा जाते हैं और ये सवाल को हम गलत कर देते हैं। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम लिया दोस्तों, स्पीड निकल कर सामने आई। अब मान लीजिए बी छोड़ता, ये मान लीजिए बी छोड़ता, ठीक है दोस्तों 2 दिन के लिए, तो 3 दुनी 6 काम छोड़कर जाता, हम 48 में जोड़ते 6 को 54 आ जाता दोस्तों। दोनों की स्पीड क्या थी 7, और 7 से भाग देते 7 7 49, शेष बचा 5, और जिससे भाग दिया उसे नीचे, ये देना चाहिए दोस्तों। आपको ये याद रखना है कौन छोड़ रहा है, कितनी स्पीड थी उसकी, और कितने दिनों के लिए उसने काम को कितने दिन पहले भाग गया था, बस ये 2 चीज याद रखनी है दोस्तों, और सवाल आपका आसानी से हल हो जाएगा। तो दोस्तों इसका क्या आंसर आया था, बस ए ने छोड़ा 2 दिन के लिए, देख लीजिए 2 दिन पहले छोड़ गया था, और 4 की स्पीड है। ये कहाँ से आया दोस्तों 4, क्योंकि एक ही स्पीड 4 थी और 2 दिन पहले छोड़ा, तो मैंने ये 2 लिखा है, यानी वो टोटल 8 काम छोड़कर गया था, टोटल 48 था, 8 और ऐड कर दिए दोस्तों मैंने इसमें, बस आप देख लीजिए दोनों की स्पीड क्या है 4 और 3 7, और 7 से भाग दे दिया दोस्तों 8 दिन हमारा आंसर रहेगा। तो दोस्तों मैंने एक और सवाल लिख लिया, सवाल है ए 9 दिन में किसी काम का, ए 9 दिन में किसी काम का 2/5 भाग। तो दोस्तों 2/5 है, बस आपको क्या कर देना है कि बस हमें ये निकालना है कि टोटल काम फिर कितने दिन में करेगा दोस्तों, और टोटल काम के लिए हमने इसे टोटल माना, और टोटल में 9 का इंटू कर दीजिए 2/5 काम को, यानी 2 काम को 9 दिन में कर रहा है, वैसे तो क्लियर हो रहा है दोस्तों, पर आपको कुछ नहीं, अगर मान लीजिए 1/5 होता तो हमें तो बस दिन देखना है कितने दिन में 1/5 काम को समाप्त कर रहा है, वो 9 दिन में, 9 का मल्टीपल किया यानी टोटल काम 45 दिन। अब इसमें देखते हैं हम क्या है दोस्तों, इस वाले फ्रैक्शन में दिया है 2/5 भाग को 9 दिन में समाप्त करता है, कितने दोस्तों 2/5 भाग 9 दिन, मैंने 9 दिन को बस आपको नीचे वाले इसको टोटल मान लेना बस, यानी कि यहां पर जो 5 है इसे टोटल मान लेना है, देख लीजिए दोस्तों 2/5 यानी काम टोटल 5 होगा, और टोटल काम में 9 यानी जो दिन दिए हुए हैं भाग दे देना है बस, गुणा करना मल्टीपल सॉरी, और 5 9 45 ऊपर 2 है, ठीक है दोस्तों। तो क्या आने वाला है 22 1/2 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है दोस्तों 2 की स्पीड से, या फिर 2 काम आप वैसे भी निकाल लोगे, 2 काम 9 दिन में,
और चार काम 18 दिन में दोस्तों, चार काम 18 दिन में। अब एक काम कितने दिन में करेगा दोस्तों, सीधी सी बात है, दो काम 9 दिन में। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे दोस्तों, देख लीजिए हमें क्या करना है, एक और ट्रिक बता देता हूँ काम निकालने का दोस्तों। देखिए ए 9 दिन में किसी काम का 2/5 बार, 2/5 काम टोटल 5 है, यानी कि दो काम कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 9 दिन में, 9 दिन में दो काम। देख लीजिए एक दिन में कितना करेगा, 4/5 का। हमने कितना माना टोटल 5, मल्टीपल कर दीजिए, 5 25 दो, 5 × 20 दो, 22 यही है दोस्तों। और 22.5 को हम क्या लिखते हैं, 22.5 दिन। और एक और लिख सकते हैं दोस्तों, इस साइड जाते हैं मल्टीपल करते हैं, इस साइड प्लस करते हैं, 22 × 44 और 1 45/2। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है। अब देखते हैं दोस्तों अब आगे क्या है, देख लीजिए मैं इन सबको हटाकर दोस्तों 2/5 काम था, टोटल काम को कितने, या तो आप 22.5 लिख सकते हैं दोस्तों, या आप 45/2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों, शेष भाग को ए और बी 6 दिन में समाप्त करते हैं। अब दोस्तों शेष भाग मान लीजिए 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3, और टोटल कितना था, 5, यानी इतने काम को दोनों 6 दिन में। अब वो फिर से दोस्तों टोटल काम कितने दिन में समाप्त कर रहे होंगे फिर दोनों, बस आपको कर देना 3 से 2, यानी अगर दोनों मिलकर इस काम को ख़त्म करें तो 10 दिन में। बस दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। अब आंसर आने वाला है दोस्तों, देखिए क्या करना है आपको, 45 और 10 का एलसीएम ले लेना है। तो 45 × 90 और 90 किससे कटता है, 10 से भी कटेगा और 45 से भी। मैंने क्या बोला दोस्तों, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है, मान लीजिए आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है तो उस संख्या को लीजिए जो इससे भी कट जाए और इससे भी, यानी इन दोनों का, इन दोनों से कटनी चाहिए। 45 से काटोगे 2 बार और जो नीचे 2 दिया हुआ है दोस्तों उसका मल्टीपल इसमें कर देना है 10 से 9 बार। इसका मल्टीपल करोगे 4 और इसको हटा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इससे क्या पता चलता है हमें, हमें पता चलता है कि ए 4 की स्पीड से काम करता है दोस्तों, और दोनों जब मिलते हैं, ये दोस्तों दोनों के मिलने की स्पीड है, देख लीजिए 6 दिन में समाप्त करते हैं। मैंने निकाला, देखिए पहले सवाल में 2/5 काम था, फिर उसके बाद जो शेष बचता है 5 में से 2 जाएगा, 3/5 बचने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 3/5 काम बचा हुआ था दोस्तों, 3/5 काम को दोनों 6 दिन में समाप्त कर रहे थे, बस 3 से काटा यानी 10। तो दोस्तों आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, मान लीजिए 2/5 100 मानते हैं हम किसी काम को, तो 5 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, 20 बार, और 20 × 40 काम को कितने समय में समाप्त कर रहा था वो, 9 दिन में। 80 काम को यहाँ पर 18 दिन हो जाएगा, अगर 20 काम निकालोगे तो 4.5 तो 22.5। अब इसका भी ऐसे ही निकालें दोस्तों, 40 काम हमने क्या निकाला, 40, तो बचा कितना होगा दोस्तों, 60 काम। ऐसे करेंगे दोस्तों, और 3/5। तो दोस्तों आपको ऐसे भी कर लेना है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों, 2/5 वो कर रहा था दोस्तों ए, बचा कितना, 5 में से 2 गया, 3/5 बचा। अब 3/5 काम को दोनों मिलकर 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं, दोनों मिलकर 6 दिन, तो पूरे काम को कितने दिन में समाप्त, हमें पूरा निकालना है कि दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करते। तो मैंने पूरे में 6 का गुणा किया, 6 दिन में समाप्त, 3 से काटा 2 5, दोनों मिलकर 10 दिन में समाप्त करते दोस्तों ए और बी। ए अकेला कितने, 45/2 यानी 22.5 भी है, यानी 22.5 दिन में काम को समाप्त कर देता। ए अकेले की स्पीड थी दोस्तों 4 की, और दोनों के मिल जाने से स्पीड बनती है 9 की। अगर 9 में से हम ए की स्पीड घटाते हैं तो दोस्तों किसकी स्पीड मिलेगी, ये बी की। ए की हमें पता थी दोस्तों, पूछा क्या है बस, तो बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा दोस्तों, टोटल काम 90, 5 की स्पीड है, 5 से कम 5, 4 × 45 = 40। तो आपका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, आंसर नंबर 2, 18 दिन। देख लीजिए मैंने क्या किया दोस्तों, सवाल में कुछ नहीं किया दोस्तों, ए 9 दिन में किसी काम को समाप्त करता है, किसी काम का 2/5 भाग, यानी 5 भाग 2/5। तो दो काम दोस्तों आप ऐसे ले सकते हो, दो काम 9 दिन में, 2 का भाग दे दीजिए तो 1 काम 4.5, टोटल मान लीजिए 5 को 5 से भाग, यानी कि टोटल काम 2.25 में, बस यानी 22.5 में दोस्तों। अब ये 22.5 में किसी काम को समाप्त कर रहा है, हमने यहाँ लिखा 22.5, इसने बोला और शेष बचे हुए काम को यानी 3/5 काम को 6 दिन में दोस्तों कितने
दिन में कर रहा है दोस्तों 6 दिन में, बस हमें इसका भी टोटल निकाल देना है। ये देख लीजिए, काटोगे 10 दिन में, यानी ये दोनों मिलकर पूरे काम को 10 दिन में समाप्त कर देते। कैसे देख लीजिए दोस्तों, हमने भाग दिया 9 की स्पीड से 90 काम को 10 दिन में। सीधी सी सवाल है दोस्तों, बस मैं इसी प्रकार का एक और सवाल ले रहा हूँ। दोस्तों मैंने एक और सवाल लिख लिया, सवाल बहुत अच्छा है दोस्तों। ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं दोस्तों, क्या है? ए प्लस बी, यानी दोनों कर रहे हैं दोस्तों ए प्लस बी, एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 24 दिन में बस। और बी और सी, बी और सी अब दोनों मिलकर देखिए दोस्तों, ए बी किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी किसी उसी काम को 30 दिन में, तो बस बी और सी 30 दिन में कर सकते हैं। यदि ए सी से दोनों अच्छा कामगार है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन, ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो दिया है हम इसका एलसीएम लेते हैं दोस्तों। इससे हमें क्या मिलने वाला है? टोटल काम देख लीजिए, इसका आएगा 120। एलसीएम तो दोस्तों आप लेना सीख ही गए होंगे, बस 24 से काटोगे 5 बार और 30 से काटोगे 4 बार। ये स्पीड है दोस्तों, ये समय, ये टोटल काम। दोस्तों आप क्या करना है आपको देख लीजिए, ए और बी जब काम करते हैं तो 5 की स्पीड बनती है दोस्तों, और बी प्लस सी काम करते हैं तो 4 की स्पीड बनती है। तो पूछा है सवाल में, बस एक और चीज आपको याद रखनी है, इसने सवाल में क्या कहा है, ए सी से दोगुना अच्छा कामगार है, मगर अगर ए सॉरी सी 1 की स्पीड से है तो 2 की स्पीड से कौन करेगा दोस्तों? ए, यानी तभी तो होगा ए सी से दोगुना, ये 1 गुना ये 2 गुना, बस ये आपको याद रखना है कि दोगुना कामगार कौन है? ए। हमको बस इसी ऑप्शन से उठा लेना है दोस्तों। मान लीजिए हम मानते हैं, मैं आपको बता दूं, मान लीजिए इसमें से 2 की स्पीड किसकी हो दोस्तों? बी की, बी की, तो शेष बचने वाली स्पीड किसकी है दोस्तों? 3, ये किसकी है दोस्तों? ए की होगी। अगर मैंने 2 की स्पीड मानी किसकी? बी की, तो शेष बची ए की होने वाली है दोस्तों। हम बहुत जल्दी कराने के दोस्तों, हमें क्या है समय कम होता है एग्जाम में, बहुत ही कम टाइम हो रहा है तो दोस्तों आपको 1.5 घंटे में भी 100 क्वेश्चन आने लगे। आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन से भी कर सकते हो, और यहाँ से भी हम ऑप्शन ही कर रहे हैं एक प्रकार का। हम बस मान रहे हैं 1 स्पीड मैंने 3 मानी तो शेष बी की 2 बची, हो गया टोटल 5। अब मान लीजिए हमें एक चीज देखनी है, बी बी की हमने 2 मानी, ये टोटल 4 है, 2 मानी तो सी की कितनी आई दोस्तों? 2। परंतु ए की स्पीड सी से दुगनी होनी चाहिए, इसकी कितनी होनी थी दोस्तों? 4। नहीं हो रही दोस्त, यानी कि हमने गलत स्पीड मान ली। अब एक बार और देखते हैं, अब उल्टा कर देते हैं दोस्तों। हम बी की स्पीड 3 मानते हैं और ए की स्पीड मानते हैं 2। 2 मानना क्या दोस्तों, अगर बी की आपने 3 मानी शेष बचा 2, तो ए की होगी दोस्तों डेफिनेटली। बस बी की स्पीड इसमें से देखिए, बी और सी की टोटल स्पीड है 4 दोस्तों, बी की हमने 3 मानी, 4 में से 3 जाएगी तो 1 किसकी है दोस्तों? सी की। बस ए दोगुना है सी से, देख लीजिए 1 का 2 गुना, बस ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है और सही स्पीड बना ली हमने दोस्तों। देख लीजिए सी की 1 तो ए की 2, बस ए 2 गुना हो गया दोस्तों सी से। अब क्या पूछा है दोस्तों, हमारा आंसर आ चुका है, हमने माना बी 3, ए की 2 और सी की 1 आ गई। तो अब क्या करना है, बी अकेले इस काम को कितने समय में करेगा दोस्त? काम है टोटल 120, 3 की स्पीड है 40। अगर दोस्तों सी की पूछा होता तो 120 दिन, क्योंकि 1 की स्पीड, ए की पूछा होता तो 60 दिन। तो दोस्तों आप समझे होंगे मैंने कैसे किया दोस्तों, आप इस सवाल को ऐसे ही कर सकते हैं, बहुत जल्दी होने वाला है ये सवाल। मैंने मात्र 2 बार ऑप्शन उठाया दोस्तों और कुछ नहीं किया। अगर हम किसी मेथड को भूल जाते हैं तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने एक और सवाल लिख लिया, सवाल बहुत अच्छा है ये भी। ये सवाल है, यदि एक पाइप ए टैंक को 20 मिनट में भरता है दोस्तों, देखिए 20 मिनट में भरता है, आप कोई भी स्पीड मान सकते हो, बस दोस्तों ऐसी मान लीजिए जो अच्छी हो, कट भी सकती हो। मान लीजिए आपने 20 की स्पीड मानी, ठीक है दोस्तों, स्पीड मैंने 20 की मानी और मिनट जब समय और स्पीड है तो टोटल काम निकलने वाला है। टोटल काम 20 20 400, टोटल काम क्या होगा दोस्तों? 400, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि ए की 20% दक्षता वाले, ए की 20, अब ए की स्पीड क्या थी 20 और इसकी 20% क्या होगा दोस्तों? कैसे निकालते हैं अपने आप में, 100 × 20, 5 5 4, ठीक है दोस्तों, यानी 4 की स्पीड वाले, ठीक है दोस्तों आप समझ गए होंगे मैंने क्या बोला दोस्तों। ए की स्पीड 20 मानी और यदि ए की 20% दक्षता वाले 5 नल
अब ए का 20%, ए अपने आप में 20 पहले से ही है दोस्तों, इसका 20% निकालने के लिए 20 अपने आप में 100 हुआ, पूछा 20 है 20 निकाला, कितना आया दोस्तों 4 और 5 नल। अब आप देख लीजिए क्या बोला है सवाल में, 4 की स्पीड वाले 5 पाइप टैंकों को कितने समय, 4 की स्पीड वाले 5 पाइप बस प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने हुए 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों फिर से देख ली। अब देखते हैं कितनी स्पीड बना रहे हैं दोस्तों ये चारों, क्योंकि 4 की स्पीड वाले 5 नल, 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20, 20 की स्पीड से टोटल टंकी 400 लीटर, 20 मिनट आपको आंसर होगा दोस्तों। बहुत सरल सवाल था दोस्तों, बस समझने के लिए था कि यहाँ ऐसे सवाल भी आ सकते हैं दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना था, बस 4 की स्पीड वाले 5 नल 20 की स्पीड बनाएंगे, 400 काम है दोस्तों, 20 मिनट आपका आंसर आने वाला है।